नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 जून है और आज हम फिर से विविध प्रस्तुतियों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज जिन शहरों के कलाकारों की प्रस्तुति आपके सामने संयोजित कर प्रस्तुत की जा रही है, उसमें इंदौर, भोपाल, राजगढ़, उज्जैन, आगर, मालवा, डिंडोरी, सागर और सीधी के कलाकार शामिल हैं। आप देखेंगे कबीर गायन, तबला वादन, हारमोनियम वादन, लघु नाट्य प्रस्तुति, इसके अलावा वायलिन वादन, डफला वादन, लोक नृत्य, लोकगीत और शास्त्रीय गायन की प्रस्तुतियाँ। ये लगभग 9 कार्यक्रम आपको छोटे छोटे इस आज की सभा में देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि कलाकारों ने कितनी सीमाओं में रहते हुए, कितनी कम से कम सहूलियतों में रहते हुए ये प्रस्तुतियाँ हमको तैयार करके भेजी है। हम उनके प्रति भी आभारी हैं और आपके प्रति इसलिए आभारी हैं कि आप लगातार हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को अपना समझकर, कलाकारों की प्रतिभा को, उसकी संवेदनशीलता को समझकर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं इंजीनियर सक्सेना आपके सामने एक कवि भजन प्रस्तुत कर रही हूं। डोरी लग रही, डोरी।
उसे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। कोई यदि जबरदस्ती किसी और की भूमिका निभा रहा है ना, तो वो जी नहीं रहा, वो नकल कर रहा है। हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। मेरे डॉक्टर ने बहुत पहले मुझे एक बात कही थी कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूं, बस वही मेरी बीमारी बन गया। उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका मैं आज तक निभा रहा हूं, जबकि मैं तो बस एक आम आदमी हूं, एक आम आदमी। और मजे की बात तो यह है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम बनाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं, ठीक नहीं है।
संस्था से हूँ। मेरे ग्रुप लीडर का नाम श्री मनीष यादव, मैं आपके सामने ब्रेजेस प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनाड़ी हो पर जा नहीं माने।
चुनरिया छोड़न, नैनन के खातिर चुनरिया छोड़न, चुनरिया छोड़न, चुनरिया छोड़न, चुनरिया छोड़न, नैनन के खातिर चुनरिया छोड़न, तो नहीं मानीस, तो नहीं मानीस बेचारी हूँ पर जा नहीं माने। सबसे पहले मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप परिवार सहित सकुशल घर पर होंगे, और महासती बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि ये व्याधि जो विश्व में आज जो फैली है कोरोना वायरस, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम सभी सामान्य जीवन जिए और फिर से एक जो भाईचारा और एक जो मिलने मिलाने की जो परंपरा हमारे देश की है वो फिर से शुरुआत हो। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं राग अहिर भैरव से, एक प्यारी सी बंदिश आपके बीच में करने। जग
जगत आनंद छो।